नाम है कि ये कॉलेज बिहार का नंबर वन कॉलेज है, ऐसा एक परसेप्शन है पूरे बिहार में सब लोग ने। एक बार थोड़ा थॉट्स चेंज हुआ है मेरा, ट्राई हो रहा है लेकिन जितना इंटेंट होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। आपका ब्रांच कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, आप ये कॉलेज आने से पहले क्या सोचे थे और क्यों आई ये कॉलेज, आपको क्या लगा इस कॉलेज? एक्चुअली ज़्यादा तो मुझे इस कॉलेज के बारे में पता नहीं था, लेकिन बस इतना जानता था मैं कि ये कॉलेज बिहार का नंबर वन कॉलेज है, ऐसा एक परसेप्शन है पूरे बिहार में सब लोग। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्यों परसेप्शन? इसलिए क्योंकि पहले मुझे लगता था जो सुनते थे, लेकिन अब यहाँ आने के बाद थोड़ा थॉट्स चेंज हुआ है मेरा। कैसा थॉट? पहले क्या थॉट था और अभी क्या हुआ? पहले थॉट था कि ये डेवलपिंग है, डेवलप होगा, बहुत आगे जाएगा, लेकिन कॉन्स्टेंट है अभी, कुछ ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, एज इट इज़ है। जैसे आपके पास कुछ थॉट होगा कि किस किस चीज़ में डेवलपमेंट होना चाहिए, तो क्या वो चीज़ अभी कुछ नहीं हुआ? मैं जान सकता हूँ किस किस चीज़ में, किस किस क्षेत्र में आप जानना चाह रहे हैं? बहुत चीज़ में डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबसे बेसिक है, बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ कमी है बहुत ज़्यादा। हाँ, प्लेसमेंट भी आप बोल सकते हैं, प्लेन्स ट्राई हो रहा है लेकिन जितना इंटेंट होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है कॉलेज के तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से। स्टूडेंट कैसे हैं? स्टूडेंट क्या प्लेसमेंट को लेकर थोड़ा सा उसमें सक्रियता दिखाते हैं? यहाँ के बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बस अपॉर्चुनिटी मिलने, प्लेटफॉर्म मिलने के लिए उन लोगों को देरी है। मतलब प्लेटफॉर्म थोड़ा कम मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी कम मिल रहा है। अगर अदर कॉलेजेस कंपेयर कीजिएगा IIIT से, तो बहुत जल्दी उन लोगों का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ है, और ये 60 साल पुराना कॉलेज है। क्या ये वजह तो नहीं है कि वो सेंट्रल में है, ये स्टेट में आती है? ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 60 साल में और 2 साल में डिफरेंस नहीं होता है। हाँ वो है, मतलब यहाँ पर ये बोला जा सकता है कि यहाँ गवर्नमेंट का भी ध्यान इस पर थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है गवर्नमेंट, जबकि ये टॉप कॉलेज में आता है। टॉप कॉलेज में आते हुए भी गवर्नमेंट बहुत उदासीन है,